हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करेंटली मैं अन एकेडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर कैटेगरी में वर्क कर रही हूँ इन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। सो इसी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 12th के, उनके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि नीट से रिलेटेड होगी। और नीट में बेसिकली हम लोग 11th और 12th की एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो नीट यूजी के लिए हम लोग उसमें सीरीज बनाएंगे। आप सबको पता होगा कि नीट यूजी और पीजी दो कैटेगरी में एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले आपको नीट यूजी क्वालिफाई करके ही आप अपना जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप नीट पीजी में जाते हैं। तो यहाँ पे जो नीट यूजी कैटेगरी में जो भी हमारा कंटेंट होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट का रिलेटेड, हम लोग पूरी एनसीईआरटी को अपना बेस बनाते हुए सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल बेस बुक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपने देखा होगा कि अभी जिस स्टूडेंट ने नीट में फर्स्ट रैंक लाई थी, टॉप किया था, आकांक्षा करके एक लड़की थी, उसने पूरी एनसीईआरटी को ही फोकस किया था। आप लोगों ने इंटरव्यूज देखे भी होंगे, अगर नहीं भी देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये एक मैसेज आप लोगों को देना है कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर एनी बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी को बेस मानते हुए सभी कंटेंट को कवर करेंगे। जैसा कि मैं क्लास 11th की बायोलॉजी को पहले कवर करूंगी, उसके बाद हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पे आएंगे। और आपने क्लास 11th की बायोलॉजी में देखा होगा जो पहली यूनिट है वो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के नाम से है। डायवर्सिटी का मतलब जो भी विभिन्नताएं हैं, डायवर्सिटी मतलब प्लांट्स में भी बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको सारे प्लांट्स एक जैसे मिलते हैं? नहीं। इसी के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट का नाम है। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी का जो टॉपिक मिलेगा वो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा, और ये हम लोग कल के वीडियो में मैं डालूंगी इस वीडियो को। और जैसे जैसे आप लोगों का मुझे इंटरेस्ट दिखेगा वैसे वैसे मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग 1-to-1 क्लास को अटेंड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, और धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्लास 11th के। फिर मैं क्लास 12th के बुक पे जाऊंगी। लिविंग वर्ल्ड के बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सारी जो आप कह सकते हैं बायोलॉजी की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्या हुआ था पहले और आज हम लोग करंट में क्या चीजें देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। आपने देखा प्लांट किंगडम, हालांकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, लेकिन हम लोग इसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पे बेसिकली पढ़ने की चीजें ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी यूनिट आएगी वो आएगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनका स्ट्रक्चर बनावट है, उसमें हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इनको डिस्कस करेंगे। स्लोली स्लोली हम लोग सारे चैप्टर्स को, और हर दिन मैं एक वीडियो आपको दूंगी, वो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसमें सारे आपके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएं। और फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एनसीईआरटी को बेस मान के ही सारे वीडियोस को कवर करूंगी। और अगर आप नीट के लिए लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे अपने इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो हम लोग उसका एक शेड्यूल प्लान करेंगे। ऑल्दो हमारा जो रूटीन है वो काफी हैक्टिक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए हमेशा हाजिर हूं और कुछ ना कुछ टाइम जरूर दूंगी
जो भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, सभी को मैं टाइम दूंगी, क्योंकि आप लोगों का साथ और प्यार हमेशा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस YouTube चैनल को और भी आगे बढ़ाएंगे। और मेरा पर्सनल इसका मोटिव सिर्फ बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना और बायोलॉजी को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाना है, क्योंकि हमें जो अपकमिंग बायोलॉजिस्ट हैं उनको बायोलॉजी ऑन फिंगर टिप सिखाना है। बहुत ज्यादा रटाफिकेशन नहीं करना है, बायोलॉजी में चीजों को समझना है, कोर कॉन्सेप्ट को जानना है, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग इस एनसीईआरटी को कवर करेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगी और मैं देखूंगी कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जो लोग भी नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मुझे लाइव सुनना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको कल मिलूंगी अपने पहले लेक्चर के साथ, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक्ड माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।